तो आज हम लोग बात करेंगे आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी नामक्लेचर। आईयूपीएसी नामक्लेचर का मतलब ये होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामनक्लेचर करते हैं, उसकी नेमिंग करते हैं। आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी संघ है जिसके द्वारा किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी या किसी भी कंपाउंड की नेमिंग की जाती है। आपको ये भी पता है कि अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट्स कहीं पर खोजे जाते हैं, किसी साइंटिस्ट के द्वारा खोजे जाते हैं, तो उनकी नेमिंग का अधिकार उस साइंटिस्ट को नहीं होता है, बल्कि इस सिस्टम को होता है, आईयूपीएसी सिस्टम को होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को होता है। आज हम लोग बात करेंगे इसके क्या रूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आईयूपीएसी में हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उसके बारे में आप देखिए। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फोर ऑर्गन बनाए गए हैं आईयूपीएसी में। फर्स्ट इज प्रीफिक्स, सेकंड इज रूट वर्ड, सेकंड इज रूट वर्ड एंड नाउ थर्ड इज प्राइमरी सफिक्स एंड नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी सफिक्स, आईयूपीएसी में ये बातें बताई गई, ये बातें संग्रहित हुई। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फोर ऑर्गन्स होते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के चारों ऑर्गन्स समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आईयूपीएसी रोल को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि जो पहले यूज हुई, जिसको पहले लिखा जाता है आईयूपीएसी करते समय, जिसको पहले यूज किया जाता है, जिसको पहले लिखा जाता है, वो प्रीफिक्स होता है। और वो प्रीफिक्स चाहे जिस रूप में, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल ये है CH3 है, CH है, CH3 है, CH2 और OH है। आप क्या करोगे, जैसे इस कंपाउंड की नेमिंग करना है तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन करोगे, लंबी श्रृंखला का सिलेक्शन करोगे, फिर इसके बाद नंबरिंग करते हो, नंबरिंग वाइज करते हो, जहाँ पे फंक्शन ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट या डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिस्टेक होता है, तो 1 2 3। अब देखो ये जो पार्ट है, ये लंबी श्रृंखला में नहीं इन्वॉल्व हुआ है, नहीं इंगेज हुआ है। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ आइटम जो लंबी श्रृंखला में एंगेज नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। और इसी सब्स्टिट्यूएंट को आईपीसी करते समय सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, इसलिए इस सब्स्टिट्यूएंट को आप प्रीफिक्स भी कह सकते हो, प्रीफिक्स। ओके, तो यहाँ पे टू मेथिल जो होगा, मीन्स टू मेथिल जो होगा, ये प्रीफिक्स की भूमिका निभाएगा। रूट वर्ड क्या होंगे, लंबी श्रृंखला में जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं एटम होंगे 1 2 3, वही उसका रूट वर्ड होगा। रूट वर्ड 3 का क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। 3 का क्या होगा, प्रोप होगा। फिर इस लंबी श्रृंखला में चेक करना है कि सभी कार्बन एटम सिंगल बाउंडेड हैं या डबल बाउंडेड हैं या कहीं ट्रिपल बाउंडेड है। अगर सिंगल बाउंडेड होता है तो उसका सफिक्स नेम एन हो जाएगा, दिस इज द एन। सेकेंडरी सफिक्स, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये सेकेंडरी सफिक्स के रखाता है।
ये क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स नेम क्या हो जाएगा, ऑल। तो ये सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या हो जाएगा, ऑल, ओएल। तो देखो अगर इसका आईपीसी करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, दूसरे नंबर पे रूट वर्ड, तीसरे नंबर पे प्राइमरी सफिक्स, चौथे नंबर पे सेकेंडरी सफिक्स। इसका आईपीसी क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, टू नेक्स्ट टू में, देन रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, थ्री कार्बन का प्रो, तो क्या लिखें प्रो। सभी सिंगल बाउंडेड है, प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन, और सेकेंडरी सफिक्स वन पे और लगा है तो क्या लिख देंगे वन और, ये इसका आईपीसी हो जाएगा। ये तो मैंने बहुत बेसिक पॉइंट्स आपको समझाया कि इस तरीके से कंपाउंड का आईपीसी करते हैं, लेकिन हम लोग अब डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे प्रीफिक्स क्या है। तो प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि द एटम्स वा ग्रुप ऑफ एटम्स विच डू नॉट एंगेज इन द सेलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चैन कॉल्ड प्रीफिक्स। तो आप ये कर सकते हैं, the atoms who are group of atoms which don't engage involve during the selection of longest chain selection of longest chain are called prefix। और अगर वो कार्बन का प्रीफिक्स है, ये सपोज करो एक कार्बन का प्रीफिक्स है, एक कार्बन का प्रीफिक्स होता है तो उसका नाम होता है मेथाइल। इन जोड़ेंगे बस प्रीफिक्स में क्या जोड़ेंगे, सब्स्टिट्यूएंट में वाई एल जोड़ देंगे। दो कार्बन का अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या नाम हो जाएगा, एथाइल। तीन कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, CH2, CH2, CH3, इसी तरीके से क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक, और जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स में और देखा जाए, जैसे अगर सपोज करो NO2 होता है, NO2 का प्रीफिक्स क्या होता है, नाइट्रो। अगर हैलोजन्स हैं तो हैलोजन का प्रीफिक्स क्या होता है, हैलो। जैसे हैलो में क्या क्या आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोरो। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोरो। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमो। आयोडीन का क्या हो जाएगा, आयोडो। ये सब क्या है, प्रीफिक्स। ओके, जैसे NH2 है तो बेटा NH2 क्या हो जाएगा, NH2 का प्रीफिक्स है अमीनो। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स को हम लोग ऐसे ही अरेंज करते हैं। नेक्स्ट बात आपका ध्यान रखिएगा, दूसरी बात आपको मैं बताने चल रहा हूं रूट वर्ड का, मीन्स रूट वर्ड। सेकंड इज रूट वर्ड, ये रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड किसी भी लंबी श्रृंखला में नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट करते हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चैन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड रूट वर्ड। द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चैन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड रूट वर्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट वर्ड बोलते हैं। अब भाई यहाँ पे रूट वर्ड एक श्रृंखला में आपको बना दे रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन आइटम और इसके रूट वर्ड।
नंबर ऑफ कार्बन एटम और उसके रूट वर्ड। आइए देखें, अगर आपके पास सपोज करो कार्बन एटम एक कार्बन का है तो उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, लेट। दो कार्बन का रूट वर्ड एट, थ्री कार्बन का रूट वर्ड प्रोट, फोर कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, फाइव कार्बन का रूट वर्ड पेंट, सिक्स कार्बन का रूट वर्ड हेक्स, सेवन कार्बन का रूट वर्ड हेप्ट, एट कार्बन का रूट वर्ड ऑक्स, नाइन कार्बन का रूट वर्ड नॉन, टेन कार्बन का रूट वर्ड डेक। और भी नोट करते रहे, अलेवन का अनडेक, ट्वेल्व का दो डेक, थर्टीन का ट्राई डेक, टेट्रा डेक, 15 का पेंटाडेक, पेंटाडेक। इसी तरीके से आप इसको हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक, अगर 20 पहुंच जाए आई कास्ट, 21 का हेनी कास्ट, हेनी कास्ट, 22 का डाई कास्ट, ऐसे इसका भी ट्राइकास्ट, टेट्राकास्ट, ट्राइकास्ट, टेट्राकास्ट, पेंटाकास्ट, हेक्साकास्ट, हेप्टाकास्ट, ऑक्टाकास्ट, नानाकास्ट, नानाकास्ट। 30 का अगर 30 है इनका क्या हो जाएगा बेटा, ट्राइकान। 40 है तो टेट्राकान। 50 है तो पेंटाकॉन। 60 है तो हेक्साकॉन। 70 है तो हेप्टाकॉन। 80 है तो ऑक्टाकॉन। 90 है तो नानकम। 100 है तो हेप्टेन या फिर डेकेन। ये सब 100 तक है। ओके, रूट वर्ड। अब हम लोग बात करेंगे आपका मतलब रूट वर्ड के बाद अब हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स कंपाउंड का सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की कंडीशन को इंडिकेट करता है। मतलब कंपाउंड अगर सैचुरेटेड है तो सिंगल बाउंडेड है, और सिंगल बाउंडेड अगर होंगे तो उसमें एन होगा। अगर अनसेचुरेशन की स्थिति है तो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होंगे। डबल बॉन्डेड का प्राइमरी सफिक्स इन और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, आयन होता है। मींस प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट्स कंपाउंड इज सेचुरेटेड और नॉट। Either compound is saturated or not। Saturation की condition ध्यान रखिएगा। जैसे अगर suppose करो अगर N है, single bonded है, carbon carbon के बीच में single bonded है, carbon carbon के बीच में single bonded है, उसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्डेड है उसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, इन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसका प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, आयन।
प्राइमरी सक्सेस क्या हो जाएगा, आई। ओके, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेस के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप ही सेकेंडरी सफिक्स की भूमिका निभाता है। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब ये हुआ उसका मेन फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी सफिक्स कौन होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप क्या होता है बेटा? फंक्शन ग्रुप का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो आपके पास ये 4-methyl ग्रुप है, इसमें मैंने OH लगा दिया। जब तक ये मिथाइल ग्रुप है तब तक इनकी सबकी प्रॉपर्टीज एक समान है, लेकिन जैसे मैंने OH लगा दिए प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, CHO लगा दिए इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो गई, COOH लगा दिए इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और हो गई, इसमें CL लगा दिए प्रॉपर्टीज कुछ और हो गई। अब देखो चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो इन चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? इसकी प्रॉपर्टी चेंज होने के लिए फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल, इसकी प्रॉपर्टी चेंज होने के लिए, इसकी प्रॉपर्टी चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और इसकी ये। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वही उसका क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे? The atoms or group of atoms, the atoms or group of atoms, which is responsible to the physical and chemical properties, which is responsible to the physical and chemical properties of that organic compound, called functional group. उसे को हम लोग फंक्शन ग्रुप कहते हैं। और इस फंक्शन ग्रुप का अपना प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स नेम होता है और सफिक्स नेम होता है। आइए हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक, इरेज कर दे रहा हूँ इसको। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में कैसे लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं इसकी वरीयता, इसके पीआईडी के आधार पर लिखना चाहूंगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है इसका प्रीफिक्स, और इसका सफिक्स। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप। आइए देखिए पीआईडी के आधार पर लोग लिखते जाएंगे, जो टॉप पे रहेगा जो ऊपर रहेगा उसकी पीआईडी फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा होगा। जैसे SO3H है, SO3H, ध्यान रखिएगा इसका जो प्रीफिक्स नेम होता है वो होता है सल्फो। सफिक्स नेम इसका सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट आपका होता है COOH। COOH का जो प्रीफिक्स नेम होता है वो होता है कार्बोक्सी होता है। इसका जो सफिक्स नेम होता है उसका नाम होता है
हाँ वही केसिस, वही एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हो, एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो। ये इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में ये से सपोज करो, यहाँ पे मैंने लगाया सपोज करो PS3SO3H, क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल सल्फोनिक एसिड, मेथिल मेथिल सल्फोनिक एसिड, मेथिल सल्फोनिक एसिड, मेथिल सल्फोनिक एसिड। ओके इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे CH3COH, CH3COOH, दो कार्बन का कंपाउंड है, क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपका होता है COOR, एस्टर का कंपाउंड है, इसका नाम होता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। और इसका जो सफिक्स नेम होता है एल्किल एल्केनोइड, एल्किल एल्केनोइड। ये सपोज करो कंपाउंड में बना रहा हूं CH3COOCH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एथेनोइड, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल मेथिल एथेनोइड, मेथिल एथेनोइड। ओके अब आप समझिए, ये आपका मेथिल हुआ, ये आपका क्या हुआ, एथेनोइड हुआ। आगे आप देखिए COX, ये देखिए ये आपका COX ऑयल हैलाइड है, इसका नाम क्या है, हेलो फॉर्मिल है, हेलो फॉर्मिल है, इसका प्रीफिक्स में हेलो फॉर्मिल, दिस इज द हेलो एंड दिस इज द फॉर्मिल, हेलो फॉर्मिल। और इसका जो सफिक्स नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सफिक्स नेम ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग Cl ले लेते हैं ऑयल क्लोराइड, Br ले लेंगे ऑयल ब्रोमाइड, F ले लेंगे ऑयल फ्रोमाइड, ऐसे होगा ना। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज करो CH3COCl में ले लेंगे, क्या नाम हो जाएगा, मेथेट एथेनॉयल क्लोराइड, एथेनॉयल क्लोराइड, एथेनॉयल क्लोराइड हुआ। नेक्स्ट आपका है CONH2, CONH2 को ये आपका कार्बामाइल है, इसका जो प्रीफिक्स नेम है कार्बामाइल है, कार्बामाइल। और इसका जो सफिक्स नेम है वो एमाइड है, सफिक्स नेम इसका एमाइड। अगर इस कंपाउंड को ऐसे लिख दिया जाए CH3 CONH2, तो क्या नाम हो जाएगा, एथेनामाइड, दो कार्बन है ना, एथेनामाइड, एथेनामाइड। लेकिन अगर इसको प्रीफिक्स के रूप में देखा जाए, चलो ठीक है एथेनामाइड। नेक्स्ट आपका होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन के रूप में अगर कंपाउंड में है, तो आपको पता है ये साइनाइड है, क्या हो जाएगा, साइनाइड, साइनाइड या साइनो भी लिखते हैं, ठीक है ना। और इसका जो सफिक्स नेम होगा वो नाइट्रिल होगा, नाइट्रिल। जैसे सपोज करो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, या तो इसको बोले मेथिल साइनाइड, या फिर आप बोल सकते हो मेथेट एथेनॉल नाइट्रिल, एथेन नाइट्रिल। एथेन नाइट्रेट। ओके
नेक्स्ट आपका होता है सीएचओ। सीएचओ, सीएचओ को क्या होता है, सीएचओ को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल, सीएचओ को फॉर्मल बोलते हैं, लेकिन इसका जो सफिक्स नेम होता है वो अल होता है, जैसे सीएचथ्री सीएचओ, इसका नाम क्या हो जाए, एथेनल, एथेनल। नेक्स्ट आपका होता है कीटोन के रूप में, क्या है, कीटोन है, कीटोन में ध्यान रखिएगा कीटोन का क्या होगा, ऑक्सो, प्रीफिक्स नेम ऑक्सो हो जाएगा और सफिक्स नेम ओन हो जाएगा, जैसे सी एस थ्री सी डबल बार ओ सी एस थ्री, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन टू, टू पे ओन लगा है, प्रोपेन टू। ओके नेक्स्ट आपका हो ओ एच है, ओ एच को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सिल होगा और सफिक्स नेम इसका क्या हो जाएगा, ऑल, जैसे सी एस थ्री ओ एच मेथेनॉल, मेथेनॉल। ओके ओ एच हो गया, ओ एच के बाद अब आप देखिए नेक्स्ट आपका होता है एन एच टू, एन एच टू, एन एच टू का जो प्रीफिक्स नेम होता है अमीनो और इसका सफिक्स नेम अमीनी, जैसे पी एच थ्री एन एच टू, तो क्या नाम हो जाएगा, मेथिल अमीन, मेथिल अमीन या मेथनामीन। ओके मेथिल अमीन या मेथनामीन। ओके ये हो गए, और भी हैं, अब ये सब इसके प्रायोरिटी के आधार पे है, इसके प्रायोरिटी के आधार पे हैं, अब मैं इसको इरेज करूँगा, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, कीटोन एनएच टू, अब देखो सी डबल बॉन्ड सी है, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी आती है, इसका प्रीफिक्स नेम तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा बुकों में वैसा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर इस तरीके से प्रीफिक्स के रूप में कहीं मिलता है तो इसमें इन भी लगा दो, जैसे इन है ना, इन है, इन में आप क्या लगा दें, इन लगा दें, क्या क्या हो जाएगा, इनाइल, इनाइल। ओके और सफिक्स नेम क्या हो जाएगा, इन, सफिक्स नेम इन, ये सपोज करो सी एस थ्री सी एच डबल वन सी एस टू, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपीन या प्रोपीन वन या प्रोप वन इन, ऐसा लिख सकते हो। सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, प्रीफिक्स के रूप में अगर हो तो प्रीफिक्स के रूप में ध्यान रखिएगा आइन होता है, आइन में आप क्या करो, इल जोड़ दो, आपको पता है ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल्स है, दोनों एक साथ नहीं जुड़ेंगे, ई को आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आइनाइल। देखो यहाँ ई हटाया गया, यहाँ से भी ई हटाया गया, आइनाइल, और सफिक्स में इसमें क्या हो जाएगा, आइन, जैसे सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। डबल ओ ट्रिपल बॉन्ड के अलावा और भी होते हैं, जैसे ये इसका नाम इपॉक्सी होता है, प्रीफिक्स में इपॉक्सी, सफिक्स के रूप में ये कभी नहीं आएगा, इपॉक्सी। इसके बाद आपका आता है एनओ टू, एनओ टू, पहले एक्स आएगा, हेलोजन आएगा, हेलोजन, तो हेलोजन का क्या होता है, हेलो होता है, इसका भी सफिक्स नेम नहीं होगा। अब जैसे फ्लोरीन है, तो भैया मैंने आपको बताया फ्लोरो, क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ये सब कभी सफिक्स के रूप में नहीं आते हैं, प्रीफिक्स के रूप में आएगा। हाँ तो नोट भी करते चले। ओके जैसे इसका नाम है सी एस थ्री सी एस, क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। ओके इसी तरीके से NO2 है, NO2 भी प्रीफिक्स नेम में
नाइट्रो यूज होता है, कभी भी इसका सफिक्स नेम के रूप में नहीं यूज किया जाता है ना, जैसे CH3NO2 है तो क्या लिखेंगे, नाइट्रो मेथेन, नाइट्रो मेथेन। ये तो आप सबसे पहले ये चारों आप याद करिए, फिर कंटिन्यू।